एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बता रही मैं अपनी शाम कैसे बिताती हूँ। ठीक है, मैं डेली डॉग्स को फीड करने जाती हूँ। इस समय मैं उनका खाना बनाती हूँ और उनके लिए दूध गर्म होता है ताकि आराम से इजीली मैं बॉटल में डाल सकूँ। ज़्यादा गर्म दूध होगा तो बॉटल में नहीं डल पाएगा। और आजकल मौसम ठंडा हो गया है, पहले तो फ्रिज का दूध पीते थे लेकिन अब उन्हें गर्म दूध चाहिए होता है। ये देखिए रोटी है, चपाती, इसको तोड़ देती हूँ ताकि वो इजीली मैं उनको खाना डाल सकूँ। ये खाली ऐसे ही नहीं जाएगी, इसके अंदर सब सब्जी एग सब मिक्स होगा तब वो लेकर खाएंगे खाना। ये देखिए ये सब्जी है इनकी। ये ना थोड़ा सा मैं ना बटर मिल्क है, बटर मिल्क डाल देती हूँ सो दैट ये ना चपाती नरम हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद अगर हमें खाना खिलाने जाना ही है तो ऐसा खाना खिलाएं ना सो दैट वो खा लें खुश होके। क्योंकि खाली आप अगर चपाती देंगे डॉग्स को, ओनली चपाती, तो वो खाते नहीं हैं। थोड़ा सा सूंघेंगे छोड़ देंगे, एक दिन खाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे। तो मैं तो बहुत दूर डेली जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं खाना लेके जा रही हूँ तो उनके मुंह लगे वो खा लें। अच्छे से सब्जी मिक्स कर दी है, बटर मिल्क डाल दिया। अब मैं इसमें एक एग डाल दूंगी तो क्या है थोड़ा सा उनको टेस्ट आ जाएगा और वो फटाफट जल्दी जल्दी खा लेंगे। ये 10 चपातीज है अराउंड, 10 चपातीज ऐसे लेके जाती हूँ और 10 चपाती साबुत लेके जाती हूँ। उसमें से कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि सीधा चपाती खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तोड़ के खाते हैं। अब उनकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है, जो जैसे खाना खाता है उसके लिए वैसे ही लेके जाती हूँ। मिक्स हो गया है, यहाँ पे मेरा दूध भी उबल गया है। ये चपातीज हैं, ये चपाती भी ऐसे सूखी नहीं खाएंगे, इसके अंदर ऊपर भी कुछ लगाना पड़ेगा तभी वो फटाफट खाएंगे। ये है ग्रेवी, केनल की ग्रेवी है। इसको मैं डेली, मेरे 3 पैकेट लगते हैं इनके खाने के लिए ना, ये चपाती में डाल देती हूँ और अच्छे से लगा देती हूँ चपाती पे, तो वो आराम से फटाफट खुश हो गए खाना खा लेते हैं। अराउंड वहाँ पे मेरे पास 25 डॉग्स हैं और अराउंड 10 पप्पीज हैं। बाकी तो मेरे घर के पास हैं, मैंने आपको दिखाए थे कि वो स्कूल से आती हूँ तो उन्हें पेडिग्री चाहिए, वो रात में खाना यहीं खाते हैं घर पे। तो अब इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। ये ना चिकन ग्रेवी होती है तो उनको थोड़ा सा टेस्ट लग जाता है, वो अच्छी तरह खा लेते हैं फटाफट। ये ग्रेवी लगा के चपाती तैयार हो गई है। अराउंड 10 चपातीज ये होती हैं, 10 ये मीन्स अराउंड 20 चपातीज मैं लेकर जाती हूँ। फिर इनको मैं डाल देती हूँ बैग में। अब मेरे को इसमें करना है उनके लिए राइस, मतलब एक बार अगर खाना देने जाना है तो मैं चाहती हूँ कि उनको पूरा ही खाना जो प्रॉपर डाइट होता है वो मिल पाए उनको, चपाती राइस मिल्क एग ग्रेवी सब। इसमें राइस है मेरा, इसमें राइस डालूंगी। ये राइस मैंने निकाल लिया है, ये भी ऐसे सूखा नहीं खाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा बटर मिल्क और थोड़ी सी वेजिटेबल इसमें मिक्स कर दूंगी तो वो आराम से खा लेंगे। आपको मैंने पहले वीडियोस में उनके पप्पीज दिखाए थे, आज मैं आपको डॉग्स से मिलाऊंगी जिनको मैं खाना देने जाती हूँ। वो भी 2-3 जगह अलग अलग जगह पे मुझे मिलते हैं, वो इतने मिक्स हो गया।
इसे भी मैं एक पॉली बैग में डाल लूंगी, क्योंकि अराउंड 25 डॉग्स हैं, खाना तो चाहिए उन्हें पेट भर के, दिन में एक ही बार देने जाते हैं। डॉग एक ऐसा जानवर है, आपने एक बार उसे खाना दे दिया ना, वो डेली आपके वहीं इंतजार करेगा, और जब आप नहीं जाओगे फिर सोचो उन्हें कैसा लगेगा। डेली आपको उसी जगह पे बैठे मिलेंगे जिस जगह आपने उन्हें खाना दिया था। चालू ब्रेड भी लेके जाती हूँ, तो चपाती सबको तो पूरी बढ़ती नहीं है, ये अलग अलग जगह पे जो मुझे दिखते हैं जाते हैं डॉग्स, उनको सबको मैं ब्रेड दे देती हूँ। आप अगर खाली ब्रेड डालोगे, कभी तो मूड होता है वो खा लेते हैं, नहीं तो वो नहीं खाएंगे, सूंघ के छोड़ के चले जाएंगे। इन पे भी मैं पेडिग्री की ग्रेवी जो होती है वो लगा देती हूँ हल्की सी, सो वो खा लेते हैं और बहुत खुश होकर खाते हैं। ऐसे फैला देती हूँ मैं सारे और सब पे ग्रेवी लगा देती हूँ। देखो ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी लगा देती हूँ। पेडिग्री भी लेके जाती हूँ, बिस्किट पैकेट्स भी लेके जाती हूँ, दिखाऊंगी आपको सारा उनका खाना सब लेके जाती हूँ। तो उसमें कुछ तो जब मन करता है, कोई ओनली बिस्किट ही खाता है, कोई पेडिग्री खाता है। आपको मैंने दिखाया होगा, पप्पीज ने देखा होगा, आपने छोटे छोटे पप्पीज भी हैं, डॉग हैं। ऐसे पूरी उसमें फैला देती हूँ। विंटर हो गया है, पुराली भी बिछा रखी है जगह जगह, ताकि वो आराम से रात को सो पाए। मुझे पूरा ये खाना पूरा तैयार करने के लिए उनका पूरा 1 घंटा लग जाता है तैयार करने में, और 1-1 घंटा मुझे वहाँ उन्हें देने में लगता है। फाइट ना हो जाए इसलिए ध्यान से खिलाना पड़ता है, ताकि आपस में ना लड़ पड़े। कई बार आपस में भी लड़ पेडिग्री लगाने के बाद उनको वापस ब्रेड के लिफाफे में डाल देती हूँ पॉलिथीन में, तो हाथ जैसे जैसे मिलते रहते हैं वैसे वैसे उनको ब्रेड देती रहती हूँ। अलग अलग जगह के अलग अलग पैकेट हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। उनके बिस्किट पैकेट्स भी, ये तो एक जगह के, ऐसे मैंने 3 पैकेट बनाए हुए 3 जगह के। दूध में इसमें ले जाती हूँ ताकि गिरे नहीं, क्योंकि डॉग्स को प्योर दूध नहीं देना चाहिए, तो हाफ बॉटल ये होता है, हाफ बॉटल वाटर मिलाती हूँ। ये हाफ हाफ बॉटल इतना इतना भर लिया मैंने दोनों को, और ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, और इसमें आप वाटर मिला दूंगी, तो थोड़ा कम कर देंगे। ये देखिए पेडिग्री लेके जाएंगे, पेडिग्री भी चाहिए होता है उन्हें। ऐसे हम 3 बॉक्स फिल करते हैं, 3 जगह हमें डॉग्स मिलते हैं ना। ओ स्वीटी भी आ गई है पेडिग्री खाने की, आवाज़ सुन के ना
श्वेती आ गई है, पेडिग्री खाऊंगी मैं। ब्रूनो आ जाओ। ओ ब्रूनो भी आ गया है, श्वेती भी आ गई है, इनको भी चाहिए होता है। पेडिग्री भर रहे हो तो दिखाना सारे पैकेट्स हैं बिस्किट के। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, एक आधे कुछ बिस्किट भी रख लेते, देखते हैं जगह जगह देखते हैं। हाँ सही है, चलो ठीक है, करो पैक। उन्हें खाना देने जा रहे हैं, मौसम बाहर काफ़ी ठंडा हो चुका है। ये देखो इन्होंने भी जैकेट पहना है, मैंने भी स्वेटर पहन रखा है, शॉल शॉल भी ले रखी है। यहाँ पे 2-3 डॉग्स मुझे मिलते हैं, ये देखिए एक अंदर से दौड़ रहा है, एक ये दौड़ रहा है, अपनी अपनी जगह पे आके जाते हैं। एक अंदर आके खड़ा हो गया और एक ये दो जंपिंग डॉग है ना, चलो 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 चलो। ओ देखो हाँ, फिर रास्ता दिखाएंगे कहाँ जाना है। आ जाओ आ जाओ, ये बाइक नहीं है, चलो मैं बात कर देती हूँ। कितने खुश होते हैं, हमारे खाने की गाड़ी आ गई है, हैं? उन्हें ढूंढना पड़ेगा, उन्हें ढूंढ के देना पड़ेगा। ये पूरी चपाती खाता है, ये रोटी भी नहीं खाता है, या ये हैप्पी है। इनसे तो आप सब मिल ही चुके हो, पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको इन्हें मिलवाए थे। हाँ भाई, सब लगे हुए खाने में, अब थोड़ा थोड़ा दूध पीना शुरू किया है इन्होंने। ये आ गया टाइनी, आ गया इनका मम्मा, आ गया है। आ जा टाइनी अंदर, आ टाइनी अंदर, आ डब्बा हटा दो उसको, जल्दी आ जा, डर लग रहा है उसको। चलो आप आ जा, आ जा, आ जा, चलो अपनी पोजीशन ले लो। अब सारे बच्चे बैठ जाएंगे मामा के पास, चलो चलो चलो, सारे लग गए मामा के पास जा रहे हैं। हम तो मामा के पास जा रहे हैं, मुझे नहीं पीना है, तो मुझे पीना है। हेलो गाइस, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग सिटी से 3-4 डिग्री कम होता है। ये आवास विकास एरिया है जहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं, मतलब नाम मात्र के लोग रहते हैं। अलग अलग जगह पे जाकर रुक रुक के हमको देना पड़ता है। ये एक डॉग मिसिंग है इसके अंदर से, पता नहीं कहाँ चला गया, पहले 4 थे, आज एक लगता मिसिंग। ये लास्ट डेस्टिनी है हमारी, ये लास्ट गएंगे जिसको हम खाना देके अब चले जाएंगे। लव एनिमल्स, एवरीथिंग लिव विद यू ओनली, सो प्लीज़ हेल्प एनिमल्स, डोंट बीट देम। और बोला भी गया है कि डॉग्स तो सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं दुनिया में ना लोगों के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग द एनिमल्स, वंस अगेन थैंक यू।